स्वागत है। आज हमने आपको इसलिए कष्ट दिया कि हम खुद नहीं समझ पा रहे कि एक तरफ तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, दूसरी तरफ अलीगढ़ प्रशासन ने यहाँ नुमाइश जो एपिसेंटर बनता है जमावड़े का उसका आयोजन किया है। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि नुमाइश से जाता हुआ आदमी अगर 11 बजे के बाद कोई जाएगा तो उसे क्या 144 में बंद करेंगे, कर्फ्यू के उल्लंघन में बंद करेंगे। इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों कंफ्यूज्ड हैं और ये फैसले जो है डेस्परेट होके ले रहे हैं, यानी एक दूसरे के विपरीत बात है कि आप एक तरफ कर्फ्यू लगा रहे हैं रात को 11 बजे के बाद और दूसरी बार इतने बड़े आयोजन नुमाइश का जिसमें लाखों आदमी आते हैं उसका आयोजन कर रहे हैं। बिल्कुल ये दो विपरीत फैसले हैं। हम आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से और प्रशासन अलीगढ़ प्रशासन से ये पूछना चाहते हैं कि आप कंफ्यूज्ड हैं, आप क्या करना चाहते हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हमारी समझ में नहीं आ रही। या तो आप नुमाइश बंद करें जो कि सोर्स है जमावड़े का, आपने शादियों के लिए आप कह दिया कि 100 आदमियों से ज़्यादा नहीं होंगे और खुले हुए में हैं तो 200 आदमी हो सकते, नहीं बंद में 100 आदमी और खुले हुए में 200 हो सकते हैं और यहाँ लाखों आदमी वहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग हो पा रही है, ना मास्क कोई लगाए हुए नज़र आता है, तो ये सब क्या आप करना क्या चाहते हैं? उत्तर प्रदेश की जनता जो उनसे पूछना चाहती है कि वेयर यू वॉन्ट टू अराइव एट, कहाँ आना चाहते हैं, आपकी मंशा क्या है। हमने आपको इसीलिए तकलीफ दी है कि आपसे कोरोना गाइडलाइन क्या कहती है बताइए। कोरोना गाइडलाइन तो ये कहती है कि आप भीड़ से बचें, आप मास्क लगाएं, आप सोशल डिस्टेंसिंग 6 फीट की रखें। कितने लोग अलाउ किए हैं सरकार ने जो अभी तक आपको इसकी जानकारी हुई है? देखिए शादी की या फंक्शन की बात करें तो ये कहते हैं कि अगर ओपन में कर रहे हैं तो आप 200 आदमी और अगर बंद कमरे में किसी हॉल में कर रहे हैं तो 100 आदमी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो प्रोटोकॉल की गाइडलाइन है। लेकिन इसका क्या होगा, ये सांस्कृतिक प्रोग्राम में जो 50-50 आप खुद ही जमा करवा रहे हैं। अमित शाह की रैली होने वाली है तो उसको लेकर भी विरोध करेंगे? बिल्कुल करेंगे, हमने अपने ब्रीफ में भी इस बात के लिए लिखा है कि एक तरफ आप नाइट कर्फ्यू से ये जाहिर करना चाहते हैं एज इफ यू आर वेरी सीरियस टू चेक कोरोना, ऑन द अदर हैंड यू आर गोइंग टू होल्ड अ वेरी बिग रैली, वेयर यू वांट टू अराइव एट आई डोंट नो। हाईकोर्ट अपील कर चुका है सरकार से कि हाईकोर्ट ने ये कहा है इलेक्शन कमीशन से कि इस पर विचार करें और हाई कोर्ट ने जो कहा है वो हाई कोर्ट ने जो कहा ये सरकार भूमिका बांध रही है इस बात की दी है कि इलेक्शन को पोस्टपोन कर दें। ये डर गई है, ये डरे हुए हैं, इनको मौसम बदलता हुआ नज़र आ रहा है, एनवायरनमेंट बदलता हुआ नज़र आ रहा है, ये चाहते ये हैं कि हम इसे पोस्टपोन करके इसको बॉयल डाउन कर दें। ये हमारी ये सोच है, समाजवादी की हैसियत से मैं बता रहा हूँ, हमारी सोच है और इस पर बार बार हमने सोचा और इसी नतीजे पहुँचा कि सिर्फ और सिर्फ इनका मकसद ये है कि टू बॉयल डाउन द सेंटिमेंट ऑफ द पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश।